दिल्ली में मकान मालिक ने 9 साल की बच्ची को किया अगवा, चलती कार में किया रेप के बाद हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में 5 लोगों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर परिजनों को दी जान से मारने की धमकी। ठाणे में शराब के नशे में धुत हरियाणा के व्यक्ति ने पत्नी समेत 2 बच्चों को क्रिकेट बैट से पीट पीट कर मार डाला। जल्द ही गेहूं चावल की घटेगी कीमतें, अनाजों की कीमत में कमी लाने के प्रयास के तहत खुले बाजार में 3.46 लाख टन गेहूं और 13,164 टन चावल बेचा। राज्यसभा में 3 आपराधिक विधेयक पारित, गृह मंत्री अमित शाह बोले तारीख पर तारीख का दौर चला जाएगा। अजय सिंह के WFI अध्यक्ष बनने पर पहलवान साक्षी मलिक का बड़ा बयान, कहा अगर ये रहेंगे तो मैं कुश्ती त्यागती हूँ। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने, हार वाला पहनाकर उनको दी शुभकामनाएं। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और विपक्षी नेताओं से मिले पीएम मोदी। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा, सीएम योगी ने सुरक्षा और स्वच्छता के दिए निर्देश। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के दर्शन कराएंगी 100 स्पेशल ट्रेनें, देश के हर कोने से उपलब्ध होंगी ये ट्रेन। 24 को होगा अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल, समस्तीपुर के रास्ते दरभंगा जाएगी अयोध्या, 140 किलोमीटर होगी स्पीड। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने किया अयोध्या का दौरा, देखे राम मंदिर निर्माण की प्रगति। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिला निमंत्रण, अन्य विपक्षी नेताओं को भी मिला निमंत्रण। लोकसभा से 3 और विपक्षी सांसद निलंबित, अब तक 146 सांसदों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों को ले जा रही 2 गाड़ियों पर आतंकी हमला, 3 सैनिक हुए शहीद। दुनिया के 40 देशों में फैला कोरोना का JN.1 वेरिएंट, भारत में 21 केस आए सामने, WHO ने कहा इससे कोई खतरा नहीं पर भीड़ में मास्क जरूर पहने। मुंबई में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, बढ़ते कोरोना को देखते हुए BMC अलर्ट पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें निमंत्रण मिला उनका धन्यवाद, कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने दिया बयान। शाहरुख खान के डंकी को मिली 4 स्टार रेटिंग, अहमदाबाद में लोगों ने मनाया जश्न। दिल्ली में पॉलीथीन में कटे हाथ पैर मिलने से हड़कंप, कुछ दूर व्यक्ति के शरीर में का मिला निचला हिस्सा। हमीरपुर में यूट्यूब पर देखा मौत से बचने का वीडियो, फिर 5वीं कक्षा के छात्र ने लगा ली फांसी, स्टंटबाजी में गई जान। अलवर में पागल कुत्ते ने 15 साल के मासूम को नोचा, कान गाल काट कर कर दिया अलग, गंभीर घायल को जयपुर में किया रेफर। कर्नाटक में अवैध संबंध के चक्कर में मां बनी हैवान, महिला ने 15 माह बेटे को नदी में फेंका गई जान। अलवर में फायरिंग कर 20 लाख मांगी रंगदारी, वारदात के बाद UP भागे आरोपी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। में दलित नाबालिग से दुष्कर्म, इंसाफ की गुहार लगा रहा पिता, पुलिस नहीं कर रही सुनवाई।